तस्वीरां तुहानूं सुरेश दे रेस्क्यू ऑपरेशन दीआं दिखा रहे हैं, जिथे कहा जा रहा है कि सुरेश नूं जल्द ही बाहर कढ़िया जा सकता है। NDRF की हलचल तेज सी, NDRF के मुलाजम इत्थे पहुंचे हुए सी, एंबूलेंस इत्थे खड़ी कर दी गई सी। दस्सिया जा रहा है काफ़ी सुरेश के नेड़े पहुंचा जा चुका है, पर मुड़ तो दस्सिया जा रहा है कि NDRF ने जिथे उसनूं स्पॉट नूं आइडेंटिफाई किया सी कि उत्थे हो सकता है, पर दस्या जा रहा है उत्थे नहीं मिले, मिट्टी दस चुकी है। तो उसनू 10 मीटर दस्या जा रहा है कि वो अगे चला गया। उस तो बाद हुण दूसरी साइड खुदाई की जा रही है, तो तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। पहला सिर्फ एको ही मशीन चल रही थी, क्योंकि दस्या जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने वाला है, जल्दी उसनू बाहर कढ़िया जाएगा, पर बाद दे विच मुड़ तो सारिया जिहड़ियां मशीनां ने वो चला दित्तियां गईयां ने। तो दस्या जा रहा है कि मुड़ तो खुदाई की जाएगी, मुड़ उसनू कढ़न की कोशिश की जा रही है। तो तस्वीर असीं तुहानूं सुरेश दे रेस्क्यू ऑपरेशन दे दिखा रहे हैं, जिथे NDRF की टीमों लगता सी कि सुरेश हो सकता, उत्थे नहीं मिले। तो हुण दूसरी साइड खुदाई की जा रही है ताकि उसनू जल्द कढ़िया जा सके। 22 घंटे तो वध दा समा हो चुका है सुरेश नू मिट्टी हेठा दबिया, हुण उसके किहो जिहे हालात ने इस बारे हले कोई जानकारी नहीं है। उसके कोल इक्को ही ऑक्सीजन सिलेंडर सीगा, दस्सिया जा रहा है कि उसके कोल इक्को ही ऑक्सीजन सिलेंडर सी, जदों हेठा उतरिया सी तां उसके कोल इक ऑक्सीजन सिलेंडर सी, तो उसके नाल ही वह उतरिया सीगा, तो उसके उपर मिट्टी डिग गई तो उत्थे दब गया, मिट्टी हेठा दबिया। उसनू 22 घंटे के करीब हो चुका है, 7 बजे के करीब दस्सिया जाता बीते कल वो डिग्गिया सी, जिस तों बाद उसनू कढ़न दे लई कोशिश की जा रही थी। दस्सिया जा रहा है कि जल्द ही उसनू कढ लिया जाएगा। दस्सिए कि 5 बजे के करीब इत्थे हलचल काफ़ी तेज़ सी, NDRF दे मुलाजम स्ट्रैचर लैके पहुंचे हुए सी, रस्सियां उन्होंने अपने हाथ फड़िया हुई सी, एंबूलेंस जिहड़ी इत्थे खड़ी सी कि उसनू जल्द ही बाहर कढ़िया जा सकता है। पर दस्सिया जा रहा है कि जिथे NDRF नूं लगता सी उत्थे होएगा, पर उत्थे नहीं मिले। तो बाद दे विच हुण दूसरी साइड खुदाई की जा रही है, मुड़ उसनू लभण दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने ताकि उसनू जल्द तों जल्द बाहर कढ़िया जा सके। उत्थे ही सुरेश दे परिवारिक मैंबर भी हरियाणा दे जिंद तों इत्थे पहुंचे ने, तो उसनू उसकी सुरक्षित होने की कामना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जल्द तो जल्द बाहर आ जाए ताकि उन्होंने भी पता लग सके कि उन्होंने परिवारिक जी दे की हालात ने। ऐसी तस्वीर तुहानू जलंधर के करतारपुर इलाके दिखा रहे हैं, जिते इस समय सुरेश का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कैमरामैन मनीष के नाल आंचल सड्डा, पंजाब बुलेटिन जलंधर।